नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार माई गार्डन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप ये प्लांट देख रहे हैं, ये है युक्का प्लांट। और आज हम इस युक्का प्लांट के प्रोपोगेशन की बात करेंगे। तो जो आप ये प्लांट देख रहे हैं, एक आउटडोर प्लांट है, एक लो केयर का प्लांट है। इसमें ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती, ना फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। और एक अच्छा प्लांट है, हरा भरा प्लांट है। और जो इसकी ग्रोथ है बिल्कुल स्लो ग्रोथ होती है, तो कई साल में जाकर एक ये बड़ा प्लांट बनता है। जैसे देख रहे हैं इसकी हाइट, ये कम से कम 5-6 साल पुराना हमारा प्लांट है। जाके इसकी हाइट देख रहे हैं इतनी हुई है, तो काफ़ी सुंदर प्लांट है। जैसे देख रहे हैं हरा भरा, इसकी जो पत्ती हैं देख रहे हैं, नुकीली नुकीली पत्तियां हैं और हरे भरा है, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये। और ज़्यादा केयर की जरूरत नहीं होती है। तो आज बात करेंगे हम इसके प्रोपेगेशन के बारे में। तो इनकी जड़ों से देख रहे हैं आप, ये इनकी जड़ों से नए नए बेबी प्लांट निकलते हैं और इन्हीं को निकाल कर दूसरे पॉट में शिफ्ट कर देते हैं। जैसे देख रहे हैं, देख रहे हैं ये छोटे छोटे बेबी प्लांट, ये देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो ये बेबी प्लांट को निकाल कर एक नए दूसरे प्लांट बनाए जाते हैं। तो काफ़ी यहाँ पर बेबी प्लांट आए हुए हैं, जैसे ये देख रहे हैं, और इधर भी एक दो आए हुए हैं। तो इसको निकालना कैसे है? तो इसको निकालने के लिए चाकू लेंगे और नीचे नीचे मिट्टी के अंदर इसको जड़ों के साथ इसको काट कर बाहर निकाल लेंगे। जैसे अब मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगा, ये प्लांट है निकालेंगे। तो चाकू की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम इसके नीचे मिट्टी में मिट्टी के साथ इसको नीचे से काट कर बाहर निकालेंगे। तो आप चाकू से इसको मिट्टी में इस प्रकार दबा लें, इस प्रकार मिट्टी में इसको डालकर इसको हम और इसको ऐसे निकाल लेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, ये एक बेबी प्लांट है। और इसको निकालने के बाद, तो दोस्तों इस प्रकार प्लांट निकालने के बाद आप इसको किसी पॉट में लगा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगेगा छोटे से पॉट में। और जैसे जैसे बड़ा होगा तो आप इसको दोबारा बड़े पॉट में रिपोर्ट कर सकते हैं। और इसको ऐसे भी जगह बनाकर तो इस प्रकार आप इसको इसमें लगा दीजिए और इसके अंदर फिर पानी डाल दीजिए, तो आपका एक युक्का का प्लांट है यहाँ पर तैयार हो जाता है। अब इसमें पानी दे देंगे और एक बार आप इस प्लांट को लगाने के बाद हफ्ता 10 दिन शेड में रखें, और फिर इसके बाद आप इसको धूप में ला सकते हैं। तो दोस्तों, पिछले साल हमने इसी प्रकार ये दो प्लांट लगाए थे, ये 1 साल के हो गए हैं जैसे देख रहे हैं। और ये छोटे 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 पॉट में हैं, देख रहे हैं आप, ये छोटे से पॉट में हैं। और तो स्लो ग्रोथ है इनकी, तो आप स्टार्टिंग में छोटे पॉट में लगा सकते हैं। तो देख रहे हैं काफ़ी हरा भरा और ये खूबसूरत यहाँ पर युक्का प्लांट, बिल्कुल ग्रीन और पत्ते देख रहे हैं आप काफ़ी चमकदार। तो देख रहे हैं काफ़ी अच्छा लगता है जब ये छोटा प्लांट होता है। तो इस प्रकार आप युक्का प्लांट की प्रोपोगेशन कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ईजी से ये लग जाता है और काफ़ी सुंदर प्लांट है। जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी हरा भरा प्लांट है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं एक नए प्लांट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।